अगर स्टूडेंट मैंने अभी पिछले वीडियोस में आपको बताया था त्रुटियों के बारे में और उसको संयोजन के बारे में, ठीक है। अब और ये हमने दिखाया था कि किस तरीके से त्रुटि, अगर किस तरीके से आपस में भौतिक राशियां जुड़ी हैं तो आप त्रुटि कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आप उन त्रुटियों को जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उससे संबंधित आपकी कुछ न्यूमेरिकल है, मैं उसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर दे रखा तो आप त्रुटि कैसे निकालेंगे। चलिए आपको उस न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पहला आपका न्यूमेरिकल है कि एक तना हुआ तार है, ये ऐसे करके दो सिरों पर कस दिया गया। अगर उसके तनाव में 10% की वृद्धि हम कर रहे हैं, ठीक है, किसी तने तार के तनाव में 10% की वृद्धि करें तो उसमें बनने वाले जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनकी चाल में क्या है परिवर्तन होगा, ठीक है। देखिए अभी आपको सेकंड पार्ट में जो आपको बताया जाएगा कि यदि तार को आप दो सिरों पर कस के या प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं उसे अगर बीच से पकड़ के खींचेंगे तो उसमें तरंगे बनती हैं। और अगर उसकी उदाहरण की बात करें तो जो आप लोग गिटार वगैरह देखते हैं या फिर सितार गिटार इस तरीके के जो यंत्र हैं, उसमें तार को कसा गया होता है और इधर उधर अगर कंपन कराया जाता है तो उसमें ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। या फिर आप बांसुरी वगैरह के बारे में जानते हैं, उसमें जो है वायु को जो है कंपन करा के ये तरंगे उत्पन्न करी जा सकती है। वैसे ही उस तार में करण जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो आपकी उत्पन्न होगी, तो करें कि वो जो तरंगे चलेंगी तो उसके चाल में जो है क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। देखिएगा उस तरंग की किसी तार को अगर हम कस दें तो उसमें उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की चाल, तार में तनाव और तार के प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान में जो संबंध होता है वो होता है बी बराबर अंडर रूट टी बाई यंग, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या क्या कहा गया है। देखिए जो त्रुटि होती है किसके कारण आती है, जो भौतिक अभी मैंने हमने बताया कि जिस भौतिक राशि को आप मापेंगे त्रुटि केवल उन्हीं के कारण आएगी, जिसे आप माप नहीं रहे हैं जो स्थिर है या नियत है उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर उसका एप्लीकेशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं और ये देखिएगा भी जो है टी और यम से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर इसको मैसे लिख सकते हैं भी बराबर टी के पावर 1/2 बटे यम के पावर 1/2। यहाँ पर काम क्या करिए, तनाव में वृद्धि कर रहे हैं तो ये तनाव में वृद्धि कर रहे हैं, मतलब ये तनाव को माप रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने ये द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी द्रव्यमान को मापा नहीं गया, वो जैसे है वैसे उनको वो छोड़ रहे हैं। मतलब ये कि जो इस तनाव में जो आपकी सॉरी इसके अनुप्रस्थ तरंग की चाल में जो आपकी परिवर्तन होगा वो किसके कारण होगा, तनाव में वृद्धि या कमी के कारण, ठीक है। तो अब हमें ये लेना है कि उसके चाल में कितना जो है परिवर्तन होगा, तो चाल में यहां पर देखिए टी जो है घात के रूप में जुड़ी गई है। मैंने बताया कि यदि भौतिक राशि घात के रूप में जुड़ी होगी तो आप कैसे त्रुटि निकालेंगे, तो भी के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा भी बाय भी बटे में डेल्टा भी बाय भी गुणे 100, ठीक है बराबर। अब देखिए इस तनाव में जो त्रुटि कैसे निकालेंगे, हमने कहा घात तो घात कहां उतर आती है सामने, और इसे हम लिखेंगे तनाव में त्रुटि को डेल्टा टी बाय टी गुणे 100। अब ये प्लस देखिएगा यहाँ पर जो है ये भाग बिंदु द्वारा जुड़ी है, तो इस यम के मान में जब त्रुटि लिखेंगे तो यम को मापा नहीं गया तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, तो इसकी त्रुटि को शून्य से लेंगे, ठीक है। डेल्टा भी बाय भी गुणे 100 बराबर कितना होगा 1/2, और गुणे इन्होंने कहा है कि तनाव में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 10% की, और तनाव में वृद्धि को कैसे लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि को, देखिएगा ये प्रतिशत वृद्धि लिखी गई, इसे हम लिखेंगे डेल्टा टी बाय टी गुणे 100, तो यह कहा है 1/2 गुणे में 10 बराबर 5%, तो उसके चाल में जो परसेंटेज वृद्धि होगी या प्रतिशत वृद्धि होगी वो कितनी होगी 5%, ठीक है। चलिए अगला आपका पॉइंट है कि सोने के एक टुकड़े को लिया गया है जिसका द्रव्यमान जो है 10 ग्राम है, मतलब एक मापा गया है 10 ग्राम, तो कह रहे हैं कि इसकी माप में आई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। देखिए मापा जाएगा तो कितनी त्रुटि कितने परसेंट की हो रही है 10 ग्राम मापा गया है तो, ठीक है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि इस सवाल का जवाब आप कैसे निकालेंगे। ध्यान रखिएगा वो कह रहे हैं कि 10 ग्राम माप रहे हैं, ग्राम जिस भी चीज से उन्होंने मापा होगा, ठीक है। अब देखिएगा अब देखें कि वह सबसे सूक्ष्म क्वांटिटी जिस जो हम आपको बात कर रहे अल्पतमांक की, सबसे सूक्ष्म जिस भी यंत्र से मापा गया होगा उस यंत्र द्वारा आप सबसे सूक्ष्म राशि को कितनी ऐसी होगी जिसे आप माप सकते, ठीक है। मान लीजिए अगर वो दे रखे 10.25 ग्राम उन्होंने दे दिए, तो आप देख रहे हैं कि 10 ग्राम तो आप एग्जैक्टली माप सकते हैं, 10.25 जब मापी के तो उन्होंने दे रखा है, मतलब 10.25 भी माप सकते हैं, 10.24 भी माप सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि दशमलव के लिए इधर बाएं तरफ
जो है सॉरी दाहिने तरफ दस जो है दशमलव के दूसरे स्थान तक की क्वांटिटी को आप शुद्ध रूप से माप सकते हैं। वो और वो सबसे सूक्ष्मतम क्वांटिटी कितनी होगी, दशमलव 24 से ऐसे करते करते आएंगे तो दशमलव 01, ठीक है, यानी 0.01 ग्राम तक की क्वांटिटी को शुद्ध रूप से आप माप सकते हैं अगर ऐसे लिखा है तो, जिस भी यंत्र से माप कर ये चीजें बताई गई होंगी। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जब हम माप रहे हैं तो 10 ग्राम उन्होंने बता दिए, ठीक है, तो उसमें कितनी त्रुटि आ सकती है आप देखेंगे कि सबसे सूक्ष्मतम मात्रा ग्राम में जिसे वो यंत्र माप सकता है वो कितना हो सकता है, वो देखिए दशमलव ये 10 से मतलब ये इस यंत्र के बाई तरफ ये जब 10 मापा है तो जाहिर सी बात ये 0.9 भी माप सकता है, 0.8 भी, 7 भी और 0.1 भी। अब देखिएगा ये 0 यानी कहें कि 1 ग्राम से कम आपके द्रव्यमान को शुद्ध रूप से उस यंत्र द्वारा नहीं मापा जा सकता, ठीक है, तो ये जो है उसकी कहलाएगी त्रुटि, ठीक है। अब उसे प्रतिशत त्रुटि के रूप में कैसे देखें, ये आपकी जो अल्पतमांक मान है और बटे में उसका मापित मान यहाँ पे आप, ठीक है, अल्पतमांक बटे में मापित मान इसका आप प्रतिशत निकाल लेंगे तो ये होगा उसके द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि। तो ये कितना है 0.1 बटे में 10 × 100, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, तो उसके माप में त्रुटि कितनी हो सकती है 10% की। नेक्स्ट आपका है एक घन की भुजा के माप में 3% की त्रुटि होती है तो घन के आयतन के माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। देखिए करा एक घन है, घन को हमने ऐसे बना दिया है, कह रहा है कि इसके भुजा को मापा गया है किसी स्केल द्वारा, तो कह रहा है कि भुजा के मापने में 3% की त्रुटि हो रही है, तो इसको अगर आयतन को मापा जाए तो कितनी त्रुटि होगी, तो सबसे हम काम क्या करेंगे इसके आयतन को निकालेंगे इसके भुजा के रूप में, तो घन का आयतन कितना होगा भुजा का क्यूब। अब देखिए आयतन में प्रतिशत त्रुटि को कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी बाय वी गुणे 100, जैसे जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जेड बाय जेड गुणे 100। ये देखिए घात के रूप में जुड़ी है तो घात कहां उतर आता है सामने, तो ये 3 को सामने उतार लेंगे और ये देंगे यल के मान में प्रतिशत त्रुटि लंबाई के डेल्टा यल बाय यल गुणे 100, और ये क्या है यल क्या है जो हमारा घन था उसकी भुजा, और ये पूरा क्या भुजा के मान में प्रतिशत त्रुटि, और वो आपको रखा है 3%, इसकी वैल्यू पर रखेंगे कितना रहेगा 9%। तो अगर यदि हम आयतन को मापते हैं तो आयतन के माप में त्रुटि कितनी होगी 9%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है किसी गतिमान पिंड के वेग तथा द्रव्यमान की माप में क्रमशः 2% तथा 3% की त्रुटि होती है तो उसकी गति ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ठीक है। आप देखिए गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, के बराबर 1/2 m × v². अब यहां देखिएगा अब के मान प्रतिशत त्रुटि निकालनी है वो किसके कारण होगा, यम के कारण और भी के कारण, देखिए के को भी मापा गया तो त्रुटि दिया, भी को भी मापा गया तो त्रुटि दिया, यहां देखिए 1/2 यहां पे लिखेंगे तो 1/2 के बारे में कुछ कहा नहीं गया, ये नहीं बताया गया कि इसे हम माप रहे हैं, ये मापेंगे तो 1/2 की वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है, ठीक है, इसलिए मतलब ये कि इसके माप में कोई भी त्रुटि नहीं आई, इसे आप मापेंगे तभी 1/2 हमेशा 1/2 ही रहेगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, या यूं कह सकते हैं एक नियत राशि है तो इसे मापने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है फिक्स से नियत है, ठीक है। तो डेल्टा के बाय यानी कहें कि काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन होगा जो त्रुटि होगी केवल यम और वी के कारण होगी, तो यहाँ पे लिख लें कि के मान में प्रतिशत त्रुटि बराबर यम के मान में प्रतिशत त्रुटि प्लस वी के मान में प्रतिशत त्रुटि। देखिए ये हम घात वाला टर्म यही लगा तू यहाँ उतरा डेल्टा वी बाय वी गुणे 100, ठीक है, यम के मान में प्रतिशत त्रुटि उन्होंने दे रखा है कितना है 3%, ये 3% प्लस वी के मान में प्रतिशत त्रुटि 2% और 2 पहले से यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन होगा कितना होगा 7%, तो उसकी गति ऊर्जा में जो त्रुटि आएगी कितनी आएगी 7%। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस का जो द्रव्यमान दे रखा है और आयतन उसको माप रहे हैं, उसके मान में जो त्रुटि माप में आई है 5% उसके द्रव्यमान में आई है 3% उसके आयतन में आई है, तो कह रहे हैं कि ठोस के घनत्व में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, ठीक है, तो आप घनत्व को उसके द्रव्यमान और वेग के रूप में द्रव्यमान और आयतन के रूप में आपने लिख लिया है, आप इसमें आप जो है घनत्व के मान में प्रतिशत त्रुटि को कैसे लिखेंगे, डेल्टा रो बाय रो गुणे 100 बराबर डेल्टा एम बाय एम गुणे 100 प्लस डेल्टा वी बाय वी गुणे 100। देखिए जो है ये आपका भाग विधि द्वारा जो है त्रुटि हुई है, लेकिन हमने आपको जब ये थ्योरी आपको बता रहे थे तो हमने बताया था कि ये क्वांटिटियां हैं आप इसे माप रहे हैं, तो मापने के लिए ये इस
बात पे डिपेंड नहीं करती कि भाग द्वारा जुड़ी है कि गुणन द्वारा जुड़ी है। ये जितना अधिक क्वांटिटियां होंगी उतना ही अधिक मापने के लिए आपको यंत्र उपयोग करने पड़ेंगे और यंत्र के अल्पतमान के कारण उसमें त्रुटियां क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। इसलिए इस रो के मान में प्रस्तुत त्रुटि डेल्टा रो बाय रो गुणे सौ बराबर डेल्टा एम बाय एम गुणे सौ, यंत्र मान के मान में त्रुटि प्लस इसके आयतन के मान में त्रुटि प्रस्तुत त्रुटि, ठीक है। डेल्टा एम बाय एम गुणे सौ यानी द्रव्यमान के मान में त्रुटि को प्रस्तुत त्रुटि को कितना दे रखा है 5% और इसके आयतन के मान में प्रस्तुत त्रुटि को इन्होंने कितना दे रखा है 3%। इनकी वैल्यू को रखेंगे सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8%। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि घन के मान में जो प्रस्तुत त्रुटि आपकी आएगी 8%, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप इसे सॉल्व करिए, देखिए इसके बारे में और अधिक सवाल आपको किताब में मिलेंगे। अगर उसे समझने जाने में कोई अगर समस्या हो रही है तो आप अपने कमेंट्स को इस चैनल पर लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सवालों का जवाब देने की पूरे तरीके से कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप पूरे तरीके से संतुष्ट हों। धन्यवाद।